हेलो एवरीवन, तो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए मी बिफोर यू की हिंदी एक्सप्लेनेशन। ये मूवी रिलीज हुई थी 2016 में। इसकी आईएमडीबी रेटिंग है 7.4। ये मूवी आपको हंसाएगी भी और रुलाएगी भी, इसलिए आप ये मूवी एंड तक देखिएगा। वीडियो की एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे चैनल को काफी ज्यादा सपोर्ट मिलता है। इसी के साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हमें विलियम ट्रेनर को दिखाया जाता है जो कि काफी सक्सेसफुल बैंकर था। उसकी जिंदगी में हर चीज थी जिसका हर एक इंसान सपना देखता है। उसकी फैमिली काफी ज्यादा रिच थी, उसके पास अच्छी नौकरी थी, उसकी एक गर्लफ्रेंड भी थी जिसका नाम था एलिशिया, इससे वो काफी ज्यादा प्यार करता था। उसे एडवेंचर काफी ज्यादा पसंद था और वो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में काफी एक्टिव रहता था। एक दिन जब विलियम अपनी गर्लफ्रेंड एलिशिया के साथ होता है तब उसे काम के लिए फोन आता है जिसकी वजह से उसे काम पे जाना पड़ता है। जब वो अपनी बाइक लेके बाहर जा ही रहा होता है तभी उसकी गर्लफ्रेंड एलिशिया बोलती है कि बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, इसलिए वो बाइक ले जाने का सोचे भी नहीं, तो वो टैक्सी में जाने का डिसाइड करता है। वो फोन पे बात करते वक्त रोड क्रॉस कर रहा था तभी एक बाइक से उसका एक्सीडेंट हो जाता है, इसी के साथ सीन कट हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है लुइजा क्लार्क को जो कि एक खुशमिजाज लड़की होती है। वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है। वो 6 साल से एक लोकल कैफे में काम कर रही होती है लेकिन एक दिन वो कैफे बंद हो जाता है। उसका ओनर उसे आके लास्ट सैलरी दे देता है जिससे वो समझ जाती है कि उसे नौकरी से निकाला जा रहा है और वो बेरोजगार हो गई है। उसकी फैमिली को पैसों की काफी ज्यादा जरूरत होती है इसलिए उसे नई जॉब ढूंढने को कहता है, लेकिन बात ये होती है कि उसके लिए जॉब ढूंढना काफी मुश्किल था क्योंकि इस टाइम इतनी जॉब्स अवेलेबल नहीं थी और उसे इतना एक्सपीरियंस भी नहीं था। नेक्स्ट दिन लुइजा जॉब सेंटर जाती है नई जॉब ढूंढने के लिए, जहाँ का एम्प्लॉय उसे एक एयरटेकर की जॉब के बारे में बताता है जिसमें कि उसे एक डिसेबल पर्सन की केयर करनी थी। इसका पे भी काफी ज्यादा अच्छा था और उसके घर के पास ही था। लुइजा को केयरटेकिंग का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं था लेकिन इतनी ज्यादा सैलरी सुन के वो इंटरव्यू में जाने का डिसाइड कर लेती है। वो अपनी माँ के कपड़े पहन के इंटरव्यू में जाती है जिसमें वो बिल्कुल भी कम्फर्टेबल नहीं होती। विल की मॉम फिर लुइजा का इंटरव्यू ले ही रही होती है तभी लुइजा की स्कर्ट फट जाती है, लेकिन वो फिर भी इंटरव्यू कंटिन्यू करती है। विल की मॉम फिर लुइजा से पूछती है कि उसे जॉब पे क्यों रखना चाहिए, जिस पे लुइजा एक रैंडम सी चीजें कहने लग जाती है जैसे कि उसका घर यहाँ से बहुत पास है, वो एक फास्ट लर्नर है और सीख जाएगी और उसके पति का काफी ज्यादा ख्याल रखेगी, जिस पे विल की मॉम कहती है कि पेशेंट उसका पति नहीं बल्कि उसका बेटा है। उसके बेटे का 2 साल पहले एक्सीडेंट हो गया था जिसकी वजह से उसके गर्दन के नीचे की बॉडी बिल्कुल पैरालाइज हो गई थी। लुइजा का इंटरव्यू काफी खराब गया था इसलिए उसको यकीन था कि उसका सिलेक्शन नहीं होने वाला, लेकिन विलियम की मॉम उसका हैप्पी नेचर देख के उसे जॉब पे रख लेती है। विलियम की मॉम फिर पूछती है कि क्या वो आज से जॉब शुरू कर सकती है, जिस पे लुइजा कहती है बिल्कुल। वो दोनों फिर विल के कमरे में जाते हैं। विल अपनी डिसेबिलिटी की वजह से काफी ज्यादा डिप्रेस हो गया था इसलिए वो सबसे रूडली बिहेव करता था, यही रीजन था कि वो लुइजा का वेलकम नहीं करता और उसे डरा के भगाने की कोशिश करता है। विल की मॉम फिर लुइजा को नाथन के बारे में बताती है जो कि विल का नर्स था। विल अपना ज्यादातर टाइम नाथन के साथ ही बिताता था जो कि उसकी एक्सरसाइज और कपड़े बदलने में मदद किया करता था। लुइजा फिर अपने घर जाती है जहाँ उसकी फैमिली काफी खुश हो जाती है क्योंकि उसे जॉब मिल गई थी। नेक्स्ट दिन नाथन लुइजा को विल की दवाइयों की शेड्यूल बताता है। इतने लंबे चौड़े नाम और इतनी सारी दवाइयाँ देख के लुइजा काफी परेशान हो जाती है। लुइजा विलियम की पसंद नापसंद और उसे खुश करने की कोशिश करती है लेकिन विलियम उससे रूडली बात करता है। वो उससे कहता है कि उसकी माँ ने उसे बताया है कि वो काफी ज्यादा बातें करती है, लेकिन क्या वो उससे डील कर सकती है कि वो उसके सामने ज्यादा बातें नहीं करेगी क्योंकि उसे शांति पसंद है। ये सुन के लुइजा को काफी ज्यादा बुरा लगता है लेकिन वो विलियम के सामने उसका स्माइल देके वहां से चली जाती है। काफी टाइम बीत जाता है और लुइजा विलियम को खुश करने के काफी तरीके अपनाती है लेकिन इसका विलियम पे कोई भी असर नहीं होता। लुइजा काम करते वक्त काफी ज्यादा गलतियां करती थी जैसे कि वो विलियम पे खाना गिरा देती थी, कभी कभी गीला छाता लेके उसे घर में आ जाती थी और उसके सतरंगी कपड़े देख के विलियम को काफी ज्यादा एम्बैरेसमेंट होती थी, इसलिए विलियम लुइजा से रूडली ही बात करता था। लुइजा फिर अपनी बहन को बताती है कि चाहे वो जो भी कर ले विलियम इससे बिल्कुल खुश नहीं होता और उसे रूडली ही बात करता है, जिसपे उसकी बहन कहती है कि उसे ये जॉब करनी ही होगी क्योंकि वो वापस कॉलेज ज्वाइन करना चाहती है, वो काम कर करके थक चुकी है, इसलिए लुइजा के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता और ये जॉब कंटिन्यू करती है। 2 हफ्ते बाद विल से मिलने के लिए उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड एलिशिया और उसका पुराना बेस्ट फ्रेंड रूपर्ट आते हैं जो कि एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। इस पे विलियम को काफी ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि उसके करीबी 2 लोगों ने उसे धोखा दिया था। वो गुस्से में आके उसके ड्रेसिंग टेबल पे ऊपर रखी हुई सारी फोटोग्राफ नीचे गिरा देता है। लुइजा ये सारी बातें जाके अपने बॉयफ्रेंड पैट्रिक को बताती है जिसे ये सब चीज सही लगती है। वो दोनों फिर नॉर्वे जाने का डिसाइड करते हैं वेकेशन पे। इसका रीजन ये होता है कि पैट्रिक की वहाँ पे रेस थी तो वो वेकेशन के साथ साथ
स्पोर्ट्स में पार्ट भी ले लेगा। लुइजा को ये चीज पसंद नहीं आती क्योंकि पैट्रिक उसके साथ टाइम स्पेंड करने के जगह स्पोर्ट्स में पार्ट लेना ज्यादा पसंद करता है। यहाँ तक कि वेकेशन में भी वो स्पोर्ट्स में पार्ट लेने वाला था। नेक्स्ट दिन लुइजा फोटोग्राफ्स को जोड़ रही होती है जिन्हें विलियम ने तोड़ दिया था। विलियम लुइजा से आके रूडली बात करता है और कहता है कि उसे उसकी जरूरत नहीं है उसकी लाइफ में, जिस पर लुइजा को भी गुस्सा आ जाता है और वो विलियम को कह देती है कि उसने उसे जॉब पे नहीं रखा है बल्कि उसकी माँ ने रखा है और उसकी माँ उससे कहेगी तो उसे जॉब छोड़ के चली जाएगी और वो उसकी जिंदगी को मिजरेबल बनाना बंद करे। उसको भी यहाँ पे काम करने का कोई शौक नहीं है बल्कि वो यहाँ पे जॉब कर रही है पैसों के लिए और अपना 100% देने का ट्राई कर रही है, इसलिए वो भी उसे परेशान करना बंद कर दे। विल भी लुइजा की कंडीशन समझ जाता है और नेक्स्ट दिन से उसे अच्छे से बात करने लग जाता है। वो फिर लुइजा को उसके साथ फिल्म देखने का ऑर्डर करता है और कोई चारा न होते हुए वो भी उसके साथ फिल्म देखती है। वो दोनों फिर धीरे धीरे एक दूसरे से बात करने लग जाते हैं और एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन जाते हैं। विल फिर लुइजा को बताता है कि एक्सीडेंट से पहले वो काफी ज्यादा एडवेंचरस लाइफ जीता था, उसे ट्रैवलिंग पसंद है और वो जगह जगह घूमता था। इसे काफी ज्यादा अपोजिट लुइजा की जिंदगी थी, उसकी लाइफ काफी ज्यादा सिंपल थी, वो आज तक अपने घर से दूर नहीं गई थी, ना उसे कोई इंटरेस्ट थे ना हॉबीज, वो सिर्फ काम पे जाती थी और फिर वापस घर आ जाती थी। ये सुनकर विल लुइजा को बोलता है कि तुम्हारी जिंदगी तो मेरे से भी ज्यादा खराब है। लुइजा फिर विल को हॉस्पिटल ले जाती है उसके रेगुलर चेकअप के लिए, जहां नाथन उसे बताता है कि उसके ठीक होने का कोई भी स्कोप नहीं है। लुइजा फिर उससे पूछती है कि तुम उसे हर रोज एक्सरसाइज करवाते हो, इसका क्या मतलब है? तो नाथन उसे बताता है कि दवाइयाँ और एक्सरसाइज सिर्फ उसके दर्द को कम करने के लिए है, उसके ठीक होने का कोई भी स्कोप नहीं है क्योंकि उसकी स्पाइनल कॉर्ड पूरी तरीके से खराब हो चुकी है और वो कभी ठीक नहीं हो पाएगा। लुइजा फिर नेक्स्ट दिन विलियम के घर पहुंचती है जहां वो देखती है कि उसकी तबीयत काफी ज्यादा खराब हो गई है। वो नाथन को फोन करती है लेकिन नाथन फोन नहीं उठाता। कुछ देर बाद जब नाथन आता है तो वो उससे कहता है कि विलियम को नॉर्मल लोगों की तरह स्वेटिंग नहीं होती और जरा से भी ठंडे के कॉन्टेक्ट में आने पर उसकी बॉडी टेम्परेचर काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। कुछ देर बाद विलियम की हालत में सुधार हो जाता है और लुइजा उसकी केयर करने के लिए वहीं रुक जाती है। लुइजा फिर विलियम के कंप्यूटर में उसकी पुरानी वीडियोस देखती है जहाँ की वो काफी ज्यादा एक्टिव इंसान था, उसे एडवेंचर से प्यार था और वो अपनी लाइफ खुल के जीता था। वो वीडियो देख ही रही होती है तभी विलियम को होश आ जाता है। लुइजा फिर विलियम से पूछती है कि असल में उसके साथ हुआ क्या था। इसमें विलियम कहता है कि एक बाइक ने आके उसे हिट कर दिया था, तब से उसकी ऐसी हालत हो गई है। विलियम फिर उसे एक अच्छी चीज बताने को कहता है जिसपे लुइजा उसे एक गाना सुनाती है और रात भर उसका ख्याल रखती है। लुइजा विलियम के हाथ पे एक स्कार नोटिस करती है और कुछ देर बाद उसके पेरेंट्स की कन्वर्सेशन सुनती है जिससे कि हमें पता चलता है कि विलियम ने अपने पेरेंट्स को 6 महीने का टाइम दिया था जिसके बाद वो खुद से ही अपनी जान दे देगा। विलियम अपनी डिसेबिलिटी, पेन और सफरिंग को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, इसलिए उसने पहले भी अपनी जान लेने की कोशिश की थी, लेकिन उसके माँ के कहने पे उसने उसे 6 महीने का टाइम दिया था जिसके बाद वो खुद से अपनी जान ले लेगा। विलियम के पिता इसी चीज का अलाउंस लेटर उसकी माँ को दे रहे थे। उसकी माँ को ये चीज पसंद नहीं आती और वो उसके बाप को ऐसा ना करने को कहती है, लेकिन उसके पिता कहते हैं कि विलियम के लिए यही सही है क्योंकि वो ऐसी जिंदगी नहीं जीना चाहता और वो भी उसके बेटे का साथ देंगे। लुइजा को समझ में आ जाता है कि हालांकि उसके पास कोई भी केयर गिविंग का एक्सपीरियंस नहीं था लेकिन फिर भी उसे नौकरी में रख लिया गया था, इसका यही रीजन था। वो वापस काम के लिए जाने के लिए मना कर देती है लेकिन उसकी बहन उसे समझाती है कि उसे विल के बारे में भी सोचना चाहिए, उसके पास कितना कम टाइम बचा हुआ है इसलिए उसको उसकी लाइफ स्पेशल बनानी चाहिए। जितना टाइम भी उसके पास बचा हुआ है उसे उसकी लाइफ को उतना स्पेशल बनाना चाहिए। लुइजा भी ठान लेती है कि वो विलियम का माइंड चेंज करके दिखाएगी और उसे एहसास दिलाएगी कि उसकी लाइफ कितनी इंपॉर्टेंट है, वो ऐसे भी जिंदगी जी सकता है उसकी डिसेबिलिटी के साथ। वो विलियम को ट्रिप्स पे ले जाने का डिसाइड करती है जिसके लिए उसके पेरेंट्स से भी परमिशन ले लेती है। लुइजा विलियम को हॉर्स रेसिंग दिखाने ले जाती है लेकिन उसकी व्हीलचेयर वहाँ एक कीचड़ में फंस जाती है जिसको निकालने के लिए उसे कुछ लोगों को बुलाना पड़ता है। यहाँ तक कि जिस घोड़े पे वो बैट लगाती है वो बुरी तरीके से रेस में हार जाता है। तो लुइजा का ये प्लान तो काफी बुरी तरीके से फेल हो जाता है। लुइजा फिर विल को मोजार्ट कॉन्सर्ट में चलने को कहती है जो कि एक क्लासिकल म्यूजिकल कॉन्सर्ट है। विल इसके लिए हाँ कह देता है। लुइजा फिर कॉन्सर्ट में जाने के लिए एक रेड ड्रेस पहन के आती है जिसे देख के विल काफी खुश होता है। दोनों फिर कॉन्सर्ट अटेंड करते हैं और एक साथ कुछ टाइम स्पेंड करते हैं। लुइजा फिर विल को अपने बर्थडे के लिए इनवाइट करती है और ये भी कहती है कि उसका बॉयफ्रेंड पैट्रिक उससे मिलना चाहता है क्योंकि वो जानना चाहता है कि लुइजा किसके साथ इतना टाइम स्पेंड करती है। विल फिर लुइजा के घर जाता है उसकी बर्थडे पार्टी अटेंड करने के लिए, जहाँ लुइजा के पिता उसे बताते हैं कि उसके किसी एसोसिएट के वजह से उसकी नौकरी चली गई है। पैट्रिक फिर विल से जेलस हो जाता है और उसकी इंसल्ट कर देता है लेकिन विल इस चीज को इग्नोर कर देता है। विल लुइजा को येलो स्ट्राइप टाइट्स गिफ्ट करता है जिसे देख के लुइजा काफी ज्यादा खुश हो जाती है। नेक्स्ट दिन रूपर्ट और एलिशा की वेडिंग का कार्ड उनके घर में आता है जिसपे विल लुइजा को उसके साथ वेडिंग में चल
चलने को कहता है और वो मान जाती है। लू जब अपने घर जाती है तो देखती है कि उसके पेरेंट्स काफी ज्यादा खुश है क्योंकि उसके पिता को एक बड़ी कंपनी में मैनेजर की पोस्ट मिली थी जो कि विल की फैमिली का था। और लू को समझ में आ जाता है कि विल उसकी हेल्प करने की कोशिश कर रहा है ताकि वो अपनी फैमिली से फाइनेंशियल फ्रीडम पा सके। विल के घर में फिर एक लॉयर आते हैं जिसके बारे में लुइजा नेट में सर्च करती है। वो लॉयर प्रॉपर्टी और पावर ऑफ अटॉर्नी के केसेस के लिए फेमस था। लुइजा को समझ में नहीं आता कि विल को लॉयर की क्या जरूरत पड़ गई, इसलिए वो उसकी माँ को जाके ये चीज बताती है। उसको भी इस चीज का रीजन नहीं पता होता है लेकिन वो लुइजा को विल का केयर करने को कहती है। विल एंड लुइजा फिर एलिशिया की शादी अटेंड करते हैं जहाँ एलिशिया की गॉड मदर लुइजा से कहती है कि विल काफी अच्छा इंसान है और वो उसका ख्याल रखे। लुइजा फिर गलती से अल्कोहल पी लेती है और विलियम के लैब से बैठ के डांस करने लग जाती है जिसकी वजह से सारे गेस्ट उन दोनों को देखने लग जाते हैं। वो दोनों पूरी रात मजे करते हैं जिसकी वजह से नेक्स्ट दिन विल की तबीयत खराब हो जाती है। उसे निमोनिया हो जाता है इसलिए उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। लुइजा को इस चीज का काफी ज्यादा बुरा लगता है और वो खुद को ब्लेम करती है इसके लिए, लेकिन नाथन कहता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। विल के लंग्स काफी ज्यादा सेंसिटिव है, वो थोड़ा सा भी इन्फेक्शन बर्दाश्त नहीं कर पाते और उसकी तबीयत खराब हो जाती है। लुइजा पूरी रात हॉस्पिटल में बिताती है क्योंकि विल को होश नहीं आता। अगले दिन जब विल को होश आता है तो लुइजा उसे देखे काफी ज्यादा सैड होती है क्योंकि विल की हालत काफी ज्यादा खराब थी। लुइजा पैट्रिक के पास जाती है और उसे कहती है कि वो उसके साथ नॉर्वे नहीं जा सकती वेकेशन के पे क्योंकि विल की तबीयत खराब है और उसे उसकी केयर करनी है। पैट्रिक को ये चीज अच्छी नहीं लगती क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि लुइजा अपना पूरा टाइम अपनी जॉब को दे रही है और अपने रिलेशनशिप पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही, और वो गुस्से से वहाँ से चला जाता है। नाथन फिर लुइजा से मिलने आता है और वो कहता है कि वो विल के साथ 2 साल से है। वो विल की सफरिंग, उसका पेन सब समझता है, उसने उसको दर्द में देखा है। वो सपने में खुद को दौड़ते हुए देखता है, स्कीइंग करते हुए देखता है, लेकिन जब भी उसका सपना टूटता है और रियलिटी में आ जाता है तो कुछ भी नहीं होता, सब कुछ गायब हो जाता है और उसका दिल फिर से टूट जाता है। वो भी विल को जिंदा देखना चाहता है लेकिन वो विल के डिसीजन को जज नहीं कर सकता क्योंकि वो उसकी कंडीशन को समझता है, उसके ठीक होने का बिल्कुल भी कोई स्कोप नहीं है और वो जिंदगी भर ऐसा नहीं रहना चाहता। लुइजा फिर नाथन से एक मौका मांगती है। वो विल के साथ बस एक ट्रिप पे जाना चाहती थी। उसका मानना था कि वो विल का माइंड चेंज कर सकती है और फिर से उसमें जीने की उम्मीद जगा सकती है। नाथन सिर्फ एक ट्रिप के लिए मान जाता है। लुइजा फिर अपने घर पहुंचती है जहां पैट्रिक ने उसके लिए सरप्राइज डिनर प्लान किया था। पैट्रिक लुइजा से कहता है कि वो उसकी जॉब को समझता है और उसके पुराने बिहेवियर के लिए माफी मांगता है, लेकिन जब पैट्रिक लुइजा और विल की ट्रिप की टिकट देख लेता है तो वो इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो उससे कहता है कि कैसे वो किसी आदमी के साथ ट्रिप पे जा सकती है, क्या उसके लिए उसके 7 साल के रिलेशनशिप से ज्यादा उसकी 5 महीने की जॉब है, और वो उसे ट्रिप पे जाने से मना करता है। इस पर लुइजा कहती है कि ट्रिप उसके लिए इम्पोर्टेंट है, वो विल को उसके लास्ट मोमेंट पे स्पेशल फील कराना चाहती है और इस ट्रिप को कैंसिल नहीं कर सकती। पैट्रिक को ये बर्दाश्त नहीं होता और वो उससे ब्रेकअप करके वहाँ से चला जाता है। लुइजा, विल और नाथन फिर ट्रिप पे जाते हैं जहाँ विल लुइजा को स्कूबा डाइविंग करने को कहता है। लुइजा फिर स्कूबा डाइविंग करती है जिसमें उसे काफी ज्यादा मजा आता है। एक रात दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और उन्हें एहसास होता है कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। वो दोनों फिर बीच में जाते हैं जहाँ विलियम लुइजा को बताता है अपने प्लान के बारे में कि वो स्विट्जरलैंड जाके सुसाइड करने वाला है, जिस पर लुइजा कहती है कि वो ऑलरेडी ये जानती है और उसे ये करने की जरूरत नहीं है, वो उसका हमेशा केयर करेगी। विलियम इस पे कहता है कि शायद वो ऐसे जिंदगी जी लेगा लेकिन वो कभी भी खुश नहीं रह पाएगा, वो अपनी जिंदगी से प्यार करता था, वो अपनी पूरी जिंदगी व्हीलचेयर पे नहीं बिताना चाहता। लुइजा को पता चल जाता है कि वो अभी भी विलियम का माइंड चेंज नहीं कर पाए और वो अभी भी सुसाइड करना चाहता है। वो उससे कहती भी कि वो पूरी जिंदगी उसके साथ बिताना चाहती है और वो ऐसा ना करे। विल कहता है कि वो चाहता है कि लुइजा अपनी जिंदगी पूरी तरीके से जिए, ना कि उसके साथ अपनी जिंदगी आधी जिए। उसके साथ बिताया हुआ हर टाइम उसके लिए स्पेशल था लेकिन वो अभी और नहीं सह सकता, वो थक चुका है हर दिन से, उसके पेन से, सफरिंग से, इसलिए वो अपनी लाइफ एंड करना चाहता है। वो लुइजा को उसके साथ स्विट्जरलैंड चलने को कहता है ताकि उसके लास्ट मोमेंट्स में वो उसके साथ रहे। लुइजा कहती है कि उसने उसका माइंड चेंज करने की कोशिश की थी, जिस पे विल कहता है कि कुछ चेंज नहीं हुआ है, उसने उसके पेरेंट्स से 6 महीने देने का वादा किया था और वो दे चुका है। लुइजा फिर कहती है कि तुम सेल्फिश हो, तुम्हें पता भी है तुम मुझसे क्या मांग रहे हो, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें मरता हुआ देखने स्विट्जरलैंड जाऊं, इससे तो अच्छा होता कि मैं तुमसे कभी मिली ही नहीं होती, मैंने जॉब ही नहीं ली होती, और वहां से रो के चली जाती है। लुइजा फिर विल के साथ वापस लंदन पहुंचती है और विल के पेरेंट्स को कहती है कि वो जॉब छोड़ रही है और उन्हें उसे पे करने की भी जरूरत नहीं है। कुछ समय बीत जाता है और उस दिन के बाद से लुइजा विलियम से बात नहीं करती और उदास रहती थी। लुइजा के फादर फिर लुइजा से मिलने जाते हैं। लुइजा उन्हें बताती है कि वो फेल हो चुकी है, वो विल का माइंड सेट चेंज नहीं कर पाए, जिसमें लुइजा के फादर कहते हैं कि इसमें उसकी गलती नहीं है,
तुम किसी के लाइफ का डिसीजन नहीं ले सकते, तुम किसी का माइंडसेट चेंज नहीं कर सकते, बस उनका सपोर्ट कर सकते हो और उनसे प्यार कर सकते हो। उसे इस टाइम विल के साथ होना चाहिए। लुईसा को एहसास हो जाता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। उसे इस टाइम विल के साथ होना चाहिए था उसके आखिरी मोमेंट्स पे, लेकिन विल ऑलरेडी स्विट्जरलैंड के लिए निकल चुका था, इसलिए लुईसा भी डिसाइड करती है स्विट्जरलैंड जाने का, ताकि वो विल के आखिरी मोमेंट्स में उसके साथ रह सके। लुईसा फिर स्विट्जरलैंड पहुंचती है जहां विल अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा था। वो दोनों फिर आखिरी कुछ टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करते हैं और फिर विलियम की वही डेथ हो जाती है। विल की डेथ के बाद कुछ समय बीत गया होता है और हमें दिखाया जाता है कि लुईसा पेरिस के कैफे में बैठी होती है जो कि विल का फेवरेट था, और विल का लेटर पढ़ रही होती है जो उसने मरने से पहले लुईसा के लिए छोड़ा था। उस लेटर में लिखा होता है कि विलियम ने लुईसा के लिए एक बैंक अकाउंट में कुछ पैसे छोड़े थे। यही रीजन था कि उस दिन विलियम ने उस लॉयर को उसके घर में बुलाया था। आगे फिर लेटर में लिखा होता है कि तुम्हें अपनी जिंदगी घुट घुट के जीने की कोई जरूरत नहीं है, इन पैसों से तुम अपनी फ्रीडम पा सकती हो, तुम्हें मेरे बारे में सोचने की ज्यादा जरूरत नहीं है क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगा, बस तुम अपनी जिंदगी खुशी से जीना। फिर हमें लुईसा को दिखाया जाता है जो कि खुश होती है, जैसा कि विलियम ने उससे कहा था। इसी सैड एंडिंग के साथ इस मूवी का यही एंड हो जाता है। तो इस मूवी के एंड में विलियम ने अपनी जान दे दी क्योंकि वो अपने पेन सफरिंग से तंग आ चुका था। उसके सही होने का कोई भी होप नहीं था और वो ऐसी जिंदगी नहीं जी सकता था। वो अपने जिंदगी से प्यार करता था और वो उसे पूरी तरीके से जीना चाहता था, ना कि एक डिसेबल पर्सन बन के। वो लुईसा की जिंदगी भी बर्बाद नहीं करना चाहता था उसकी वजह से। ये विलियम का पॉइंट ऑफ व्यू था, लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो उसके पास बहुत अच्छे पेरेंट्स थे जो उससे प्यार करते थे। उसके पास वो इंसान था जो उससे बिना स्वाद के प्यार करता था और चाहता था वो एक डिसेबल पर्सन बन के अपनी जिंदगी जी सकता था और एक नए सिरे से अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर सकता था। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है, विलियम ने जो किया वो सही किया या गलत किया। मैं जल्दी मिलूंगी आपसे नई मूवी की एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक के लिए सिया।